भारत की यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की तरक्की व विकास के लिए आयोजित द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में माननीय गृह मंत्री जी का आगमन प्रदेश की नई उन्नति का आगाज है। गृह मंत्री जी द्वारा 65,000 करोड़ के 290 निवेश प्रस्तावों की बुनियाद रखी गई। वहीं प्रदेश में 3.5 लाख युवाओं के रोजगार का मार्ग भी खुला। काम प्रारंभ होना ये अद्भुत सफलता है जी, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अगर हमें भारत को विश्व पटल में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है तो हमारे उत्तर प्रदेश से जाता है। टारगेट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट। आउटकम सिर्फ निवेश नहीं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन भी। डिटर्मिनेशन। जब देश के प्रधानमंत्री ने भारत को $5 trillion इकोनॉमी बनाने का अनप्रेसिडेंटेड लक्ष्य रखा है तो देश के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तभी तो मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है। 2,751 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ओपो का 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, सनलाइट फ्यूल्स का 1,550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, सैमसंग का 1,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, NTPC का 1,225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, मेदांता हॉस्पिटल का 1,100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हायर इंडिया, अशोक पावर, SS टेक्नोपार्क एडवेंट, OSE इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ABA कॉर्प के 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स, और ITC, पेप्सिको, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, हल्दीराम्स एवं लावा मोबाइल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स आकार लेंगे, जिनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के 18,900 करोड़ रुपए के 33 प्रोजेक्ट्स।